बीजेपी के गढ़ हमीरपुर में भी लोगों को नए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से काफी उम्मीदें हैं। एच टुडे चैनल ने कुछ वर्ग के लोगों से बातचीत की। लोगों का कहना है कि हमीरपुर में नए बस अड्डे का निर्माण जल्द होना चाहिए, साथ ही सालों से लटके मेडिकल कॉलेज को भी जल्द बनाया जाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं और विकास कार्य करवाए जाने चाहिए। लोगों का कहना है कि पहली बार इतने बहुमत से सरकार बनी है और इसके चलते हमीरपुर जिला को भी काफी उम्मीदें हैं कि विकास से लेकर जनहित के फैसले पर सरकार काम करेगी। गौरतलब है कि कांग्रेस के 5 सालों में हमीरपुर में जहां नए बस अड्डे का निर्माण कार्य अधर में है, तो तकनीकी विश्वविद्यालय का काम भी पूरा नहीं हो सका है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज के बनाने को लेकर भी अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। नई सरकार बीजेपी के बनने पर हमीरपुर के लोगों को भी उम्मीदें जगी हैं कि सरकार अच्छा काम करेगी। हिमाचल प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के तीसरे और मंडी से वो पहले मुख्यमंत्री हैं। सो उम्मीदें हैं कि जयराम ठाकुर जी क्योंकि एक बहुत गरीब परिवार से आते हैं, संबंध रखते हैं, सो वो सारे प्रदेश का समान विकास करेंगे और जितनी भी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को या प्रदेश के लोगों को है भारतीय जनता पार्टी से, वो उन सारी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरेंगे। उनके लिए नई उम्मीदें हैं कि नौजवानों को नौकरी मिले और गरीबों को रहने के, गरीबों की गरीबी के को करने के लिए रोटी पानी कपड़ा मिले और हमारी सड़कें और रास्ते जो पंचायत हैं उनके लिए डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट के जितने काम बाकी है जो बहुत सारे हो चुके हैं लेकिन बहुत बाकी भी है, जैसे हमीरपुर में रेलवे लाइन आनी है, ये जल्दी जल्दी काम हो, इससे रोजगार भी बढ़ेगा और काम भी होगा, जाएंगे काफी अच्छे उतरेंगे, नया आदमी और ईमानदार आदमी है और ये भेदभाव नहीं करेगा किसी के साथ में। तो बनने चाहिए नहीं, बस स्टैंड बनना चाहिए, जो दफ्तर यहाँ से चले गए हैं वो भी आने चाहिए सारे। करते हैं आने वाले समय में पूरे हिमाचल का सर्वांगीण विकास होगा और हर क्षेत्र को समुचित प्राथमिकता मिलेगी, जैसे जैसे जिस क्षेत्र की रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे काम होगा। हम उम्मीद रखते हैं कि पूरे हिमाचल में तो विकास होगा, हमीरपुर में जो 5 साल से रुका कार्य जैसे बस स्टैंड उसकी ओर ध्यान दें और जल्दी से जल्दी हमारे हमीरपुर में भी विकास कराएं। पार्टी के संगठन में काफी लंबे समय से काम करते रहे हैं, काफी सरकार चलाने का उनके पास अनुभव है, मुझे पूरा यकीन है कि वो हिमाचल प्रदेश को प्रगति में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, जबकि देश में हमारी सरकार है और हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है। इस तालमेल के साथ श्री जयराम ठाकुर जी अच्छे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के लिए साबित होंगे।